हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ, मीन्स अभी 12-1 बज रहे हैं। तो खाना वगैरह सबका हो गया है। इसके बाद मैंने थोड़े से कपड़े रखे हुए थे तो वॉशिंग मशीन में लगाए हैं धोने के लिए, एंड धुल गए हैं। बस ये कपड़े जो हैं मैं धूप में डालने के लिए आ गई थी, तो मशीन में सुखा भी लिया था, तो आधे 1 घंटे में कपड़े भी सूख जाएंगे। ड्रायर चला लिया था मैंने, तो ये कपड़े को ही मैं धूप में डालने के लिए आई थी। और जो रोज़ वाले कपड़े हैं वो सीमा दीदी जो हमारे यहाँ आती हैं वो तो धुलती ही हैं, जैसे ये शर्ट पैंट है, ये सब चीज़ वगैरह, चादर वगैरह ना, ये सब हम लोग वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं। और डेली वाले कपड़े के लिए तो बाई लगी ही हुई हेलो है। एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 5 अप्रैल और अभी टाइम हो रहा है 1:45 हो गए हैं। तो अभी मैं काम से फ्री हो गई थी लगभग 12:30-1 बजे तक। तो क्या है, थोड़ी सी कपड़े धुले थे आज, तो वो मतलब मशीन में, तो सब धूप में डाला। एंड अभी आई हूँ मैं किचन से फ्री होकर। ये खाना नहीं खाए थे, नाश्ता कर लिए थे, तो इनको खाना सर्व वगैरह किया। उसके बाद आई हूँ रूम में, तो रूम वगैरह भी क्लीन कर दिया है। एंड तो यहाँ पर ना गदा यात्रा निकल रही है, जो मेरी बुआ है वहाँ पर से, जहाँ पर मेरी बुआ रहती है मंडला में, यहाँ पर मेरी बुआ का घर है, वहीं से निकल रही है। तो बस मैं रेडी होके जा रही हूँ बुआ के यहाँ गदा यात्रा देखने के लिए। तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं हनुमान जी की गदा यात्रा, और आप लोग भी वीडियो एंजॉय करिएगा। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट से, फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से। सो गाइज, मैं रेडी हो गई हूँ। और ये वाली साड़ी जो मैंने वेयर की है, ये साड़ी मैंने मीशो से ली थी। तो रेडी होके बस जा ही रही हूँ, सिंथेटिक साड़ी पहन जा रही हूँ क्योंकि बुआ के यहाँ ही जाना है। और थोड़ा सा कुछ भी मेकअप नहीं किया, लिपस्टिक काजल बस लगाया और फेस पाउडर, बस रेडी होकर मैं। कहाँ जा रहे हैं तो फिर आप? तो गाइज़ मैं इनसे बोल रही थी कहाँ जा रहे हैं यहाँ पर, तो वो कुछ खा रहे थे एक्चुअली, तो बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। तो वो बता रहे थे गदा यात्रा देखने जा रहे हैं। तो हम लोग निकल गए हैं, स्कूटी से जा रहे हैं क्योंकि कार जाएंगी नहीं वहाँ पर, और वैसे भी बहुत ज़्यादा रश रहने वाला है। तो इन्होंने बोला कि चलो स्कूटी से चलते हैं। तो ये मेरे को बुआ के घर में छोड़ देंगे और ये फिर बाहर और कहीं जाएंगे, मतलब और कहीं से देखेंगे। तो चलिए ये देखिए, हम पहुंच गए हैं बुआ के घर। बुआ के घर में पहुंची मैं, बुआ लोग यहाँ से देख रही थी बालकनी से। तो क्या हुआ कि मैं खूब देर तक खड़ी रही, 10 मिनट खड़ी रही। अब बुआ लोग बाजे गाजे बज रहे थे इधर, तो बुआ लोग इधर थी तो मैं दरवाजे में खड़ी, तो मैं फ़ोन भी की, फ़ोन भी नहीं उठा रही। फिर बाद में ये बोलो गौरव ऐसे ही आया होगा, तो उसने देखा यार ये खड़ी है। मैं बोली यार कब से मैं तुम लोग को बुला रही हूँ, फ़ोन भी की बुआ को, तो बुआ भी नहीं सुनी। और किसी और को कॉल की तो मतलब ड्राइंग रूम में रखा है फ़ोन। तो बस मैं खड़ी थी, फिर इसके बाद अंदर आई। तो यहाँ पर अब अभी मतलब यहीं से स्टार्ट ही हुई है गदा यात्रा। तो देखिए आप लोग देख सकते हो काफ़ी भीड़ भी है। अभी यहाँ से स्टार्टिंग ही हुई है, अब यहाँ से सूरज कुंड जाएगी, काफ़ी दूर है जो कि, और भी आगे भीड़ होती जाएगी और भी। तो मैं ये बोल रही थी दरवाज़ा लॉक था, इस वजह से मुझे बाहर खड़े रहना पड़ा था। मतलब बुआ लोग देख रही थी इधर से, तो बाहर का दरवाज़ा बंद था, तो मैं बाहर ही खड़ी थी, इस वजह से मैं अंदर आ नहीं पा रही थी। तो फिर गौरव आया तो फिर उसने खोला, फिर मैं अंदर आई। और ये देखिए यहाँ पर साफा बांधे हुए हैं कुछ लेडी लड़कियाँ वगैरह, तो आजकल बहुत ट्रेंड में है। सो आजकल बागेश्वर धाम वाले बाबा जी की वजह से ही अभी हमारे यहाँ कभी इतनी रैली में कभी भीड़ वगैरह नहीं रही है, मतलब इतना रश नहीं रहा। जबकि मतलब इस बार अच्छे से, जैसे अभी रामनवमी पड़ी थी उसमें भी काफ़ी भीड़ थी, अच्छी भव्य रैली निकली थी, वाहन रैली। और इस बार भी गदा यात्रा में भी काफ़ी वो दिख रहा है। तो अभी वो सनातन धर्म की वजह से काफ़ी हिंदू में मतलब काफ़ी भीड़ है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी त्यौहार हो रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी भीड़ है। और ये देखिए गदा यात्रा आप देख सकते हो, ये है गदा, 21 फिट का गदा है, ये मंदिर में जाकर रखेगा। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है।
गाइज यहाँ पर ना हनुमान जी बने हुए था कोई, तो ये देखिए मैंने वीडियो जूम करके कोशिश की है लेने की, बट ना समझ में नहीं आ रहा है उतने अच्छे से। तो अभी हनुमान जी ना पीछे क्या बोलते हैं राम जी सीता जी का वो है मूर्ति है, तो वहीं पे जाके बैठेंगे हनुमान जी। तो अभी आप लोग देखिएगा आगे, ये देखिए बाद ये निकल गया, फिर हम लोग आ गए अंदर। तो बुआ ने बनाया था आज राज कचौड़ी नाश्ते में, तो मैं आई थी मेरे आने से नहीं, वैसे भी बनाई थी मतलब बुआ ने। तो देख लीजिए आप लोग, फिर से मिल लीजिए मेरी नई वाली भाभी से, अभी मायके से आई हुए हैं, मतलब अभी आई हैं आज, ये कल ही आई थी। तो चलिए बनाते हैं राज कचौड़ी। यहाँ पर ये जो फुल्की रखे हुए हैं मीन्स बड़ी वाली कचौड़ी, तो इस सूजी की बनी हुई है, सूजी का आटा का डो बनाया होगा बुआ ने और उसे फ्राई तल लिया है, और बस इस तरीके से मसाला बनाते हैं मतलब फुल्की जैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चना लिया है, काला वाला चना, तो ये काले वाले चने हैं ना, उसका मसाला है। ये इमली की चटनी हो गई, ये आम की मीठी खट्टा खट्टी वाली चटनी हो गई, दही हो गया, और ये कचौड़ी हो गई मीन्स सूजी की बनती है फुल्की टाइप, और ये हो गया डेकोरेट करने के लिए, गार्निश करने के लिए अनार डालेंगे। तो अभी बनाते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को। दीदी क्या बना रही हैं आप? राज अच्छा ये ज्यादा तो नहीं भरती बुआ, ठीक है चलो ये भी आ गए थे मेरे को लेने के लिए। मैं ना आई थी 3 बजे के करीब और फिर मैं गई थी 7 बजे शाम को। तो यहाँ पर राज कचौरी रेडी हो गई है, अब दही डाला है मैंने, आम की चटनी, मीठी चटनी, इमली की चटनी, सब कुछ डाल के दही डाल दिया, प्याज डाल दूँगी, धनिया पत्ती डाल दूँगी, लास्ट में फिर मैं ये अनार डाल दूँगी और नमकीन वाले सेव डाल दूँगी। तो ये हो गई है राज कचौड़ी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर डली होगी, मैं बहुत पहले आप लोग के साथ शेयर की हूँ, तो डली है मेरे चैनल पर, देखिए कितना। भाभी चलिए आप सर्व करिए सबको। माय वीडियो चल जाएगी यार हमको। तो भाभी ने किया सर्व, फिर हम लोग ने खाया, और खाने के बाद थोड़ी देर बैठा, फिर इसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। फिर इसके बाद जब मैं जा रही हूँ घर मतलब वापस ससुराल, तो अब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो अभी मैं निकल रही हूँ। और ये है मेरे को एक फ़ायदा है कि मैं चंदिया नहीं जा पाती, तो मैं मंडला वाले मायके आ जाती हूँ मीन्स बुआ के घर। तो बस अब मैं जा रही हूँ घर। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।